लगातार रैंक पुशिंग का 27वां दिन एंड आज का मैच क्या ही मैच था भाई। एक बार देखो, सामने एक बंदा उतर रहा है मेरे एंड यहाँ पर मैं भी यहीं पर उतरा। वो थोड़ा सा लेट हो जाता है यहाँ पर, जैसे मुझे गन मिलती है बूम एक गया। उसके बाद यहाँ पर मुझे पता था और भी बंदे उतरेंगे, तो यहाँ पर फटाफट से मैं लूट करके इधर आता हूँ एंड वेट करता हूँ कि मुझे और साउंड आएगा तो उनको मारता हूँ। एंड फटाफट से लूट भी कर रहा था मैं ताकि मुझे एक ऑटो गन मिल जाए। एंड तभी मुझे यहाँ पर M16 मिलती है। M16 मिलने के बाद मैं सोचता हूँ कि शायद यहाँ पर और कोई नहीं उतरेगा, और यहाँ पर मैं शीशे तोड़ता हूँ तभी सामने मुझे एक बंदा दिखता है जिसे मैं मारने की कोशिश करता हूँ बट वो कवर में चला जाता है। तभी मुझे पीछे से साउंड आता है। एंड ये एक रियल प्लेयर था बट इससे पहले जिसको मारा मैंने वो बोट था। अब इस वाले की बात कर रहा हूँ, बैड बॉय की, जो कि रियल प्लेयर था। इसको मैं मारने आया था, इसी का मुझे साउंड आया था बट इसके साथ एक बोट लैंड किया था। तो यहाँ पर टोटल मेरे 3 किल हो गए थे जिसमें से एक बोट मारा था मैंने, 2 रियल प्लेयर मारे थे मैंने। अब बंदों को मारने के बाद यहाँ पर मैं लूट वगैरह करता हूँ थोड़ी सी एंड मुझे यहाँ पर कोई अच्छी खासी गन मिलती नहीं, सिर्फ एक यूज ही मिलती है। एंड उसके बाद मैं सोचता हूँ चलो सेल में जाते हैं एंड सेल से मैं चला जाता हूँ ऊपर। एंड ऊपर जाने के बाद वहाँ पर थोड़ी सी लूट वगैरह करके आता हूँ पॉइंट की एंड पॉइंट से शॉपिंग करता हूँ। एंड उसके आगे क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ सीधा। अब यहाँ पर ऊपर से मैंने 6,500 कॉइन कमाए थे एंड सही बात बताना मैं कॉनकर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एंड नीचे आपने वेयर हाउस में देखा एक बंदा अभी अभी उतरा है एंड मैं भी इसी वेयर हाउस में जा रहा हूँ। तो अब मैं क्या सोचता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि भाई चलो छत पे उतरते हैं, यहीं पर सामान मंगा के इसे बूम बम कर देंगे। अब यहाँ पर उस बंदे की हरकत देखना, उसके पास गन नहीं होती है एंड वो डैमेज होने के बाद कूदने लग जाता है। भाई ये क्या बात हुई भाई, मैं तो नहीं छोड़ता भाई, इस वाले बंदे को मैं मार देता हूँ। क्योंकि भाई देखो मैं भी कॉनकर कर रहा हूँ, अगर वो मुझे मार देता बाई चांस तो भाई मैं तो माइनस में जाता ना, मैं तो यहाँ पर मरता तो सीधा मेरी रैंक जाती 3,000 से सीधा 5,000 पे पहुँच जाता मैं, क्योंकि अभी मेरी जो रैंक है वो 3,000 चल रही है। तो अभी तो रिस्क मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया, सीधा पुश कर दिया। अब मुझे ये तो पता था वो बंदा कूदा है क्योंकि उतरते हुए मैंने साफ साफ देखा था, तो अब मुझे ये नहीं पता था वो है किधर। तो यहाँ पर मैं नेड को करता हूँ ताकि वो हिलेगा बट वो हिलता नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैंने नेड किया, अब वो हो गया डैमेज, ठीक है। जैसे ही वो डैमेज हुआ अब कूदने लग जाएगा, देखना आप। भाई ये क्या बात हुई, अगर तुझे कूदना ही था पहले कूदता, जब तू डैमेज हो गया जब तेरे पास कोई चारा नहीं बचा तब तू कूद रहा है, तो भाई ऐसा नहीं चलता ना। तो अब इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर मेरे पे जोन था और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि एस की लोबी थी एंड यहाँ पर रिस्क लेता तो मरता। एंड तभी मुझे बग्गी का साउंड आता है, मैं बग्गी पे फायर लेने की कोशिश करता हूँ। एंड तभी मुझे पीछे की साइड भी एक ऑरेंज कलर की गाड़ी दिखती है। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ रिस्क नहीं लेता हूँ, थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ। होल्ड करने के बाद क्या करते हैं उसके आगे वाला दिखाता हूँ सीन में, कैसे हम इस वाले मैच को चिकन डिनर निकालते हैं वो आप देखना। अब इस वाले वेयर हाउस के अंदर मैं कम से कम नहीं तो पिछले 5 मिनट से था एंड यहाँ पर मेरे पे कोई भी पुश नहीं करता। एंड यहाँ पर मैं होल्ड करके रखता हूँ तभी जोन बन जाता है थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पर मैं शील्ड वगैरह ऑर्डर कर लेता हूँ क्योंकि इस वाले मोड को मैं खेलते ही इसी रीज़न की वजह से हूँ कि यहाँ पर शील्ड मिलती है और एक कवर बना सकते हैं हम, कवर में रह के फाइट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करता हूँ ना, मैं शील्ड मंगा के अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे जाना किधर है। एंड जैसे ही मुझे पता चलता है कि भाई पीछे से जोन स्टार्ट हो चुका है, अब मेरे को जाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं ओपन में निकल जाता हूँ, आगे पीछे नहीं देखता, निकलने लग जाता हूँ। एंड मुझे इतना पता था कि अगर मरना होगा तो मैं मर ही जाऊंगा, है ना। अब यहाँ पर मैं रिस्क लेता हूँ एंड इस वाले शैक पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ एंड मैं सक्सेसफुल इस वाले शैक पे पहुँच भी जाता हूँ। एंड जैसे ही यहाँ पर मैं पहुँचता हूँ देखो उस साइड मुझे एक बंदा दिख रहा है जो कि मेरी तरह ही भाग रहा है। अब इस वाले बंदे को हम मारेंगे सबसे पहले। तो अब यहाँ पर यह वाला बंदा मुझे दिख तो गया था बट मैं सोचता हूँ पहले 6x को फुल कर लेता हूँ, 3 पे था। अब यहाँ पर स्कोप ऑन करके मैं देखता हूँ तो मुझे दिखता ही नहीं, वैसे मुझे दिख रहा था लेटा हुआ। अब यहाँ पर मुझे फिर से दिखा, अब यहाँ पर मैं बहुत गंदा हगा था, मतलब जब वो लेटा हुआ था मैंने पहली 3-4 गोलियां मिस कर दी भाई उस पर, इतना पैनिक हो रखा था ना यहाँ पर मैं। क्योंकि एस पे पहुंचने के बाद जब आप खेलते हो ना तो आपको पता है सामने वाला बंदा हैकर भी हो सकता है, हैकर लोबी आ रही है, 10 में से 8 मैच में हैकर आता है, 2 मैच में हैकर नहीं आता वो वाले मैच अच्छे जाते ही नहीं कभी भी। तो इस वजह से ना थोड़ा बंदा डर डर के खेलता है, इस वजह से मुझे भी प्लस चाहिए था, इस वजह से मैं भी डर डर के खेल रहा था। अब यहाँ पर जोन थोड़ा सा आगे बन जाता है, मेरे को 40 मीटर और जोन में जाना था
तो मैं क्या सोचता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि चलो अभी हम यहीं पर रहते हैं, जब पूरा जोन टच करने वाला होगा ना, जब 2-4 सेकंड बचेंगे तब निकलेंगे। तो यहाँ पर मैं स्मोक वगैरह ऑर्डर करके तैयार हो जाता हूँ बिल्कुल, एंड भागने की तैयारी करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर मेरे स्मोक आ गए थे, मैंने स्मोक उठाया एंड मैंने सोचा कि देखो 30 सेकंड बचे हैं तो यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही, एंड मेरे आसपास कोई होता तो शायद मुझे दिख भी जाता। तो मैं सोचता हूँ ना, यहाँ से एक गाड़ी निकली, अभी सामने दिखा होगा आपको, तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि चलो अभी ही निकल जाते हैं। ये देखो बैन ग्लिच वाला जो बंदा ना, ये अपना सब्सक्राइबर होगा। अब ये हैकर था या नॉर्मल प्लेयर था मुझे नहीं पता, बट इसने जो नाम रखा हुआ है ना बैन ग्लिच, तो इससे मुझे हल्का सा डाउट हुआ कि भाई ये हैकर हो सकता है। अब यहाँ पर आखिरी के 6 बंदे बचे हैं और यहाँ पर मैं जोन में पहुँच गया। अब जोन में पहुँचने के बाद यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि पहले शील्ड बना लेता हूँ, है ना, कवर होना चाहिए आगे पीछे का, तभी यहाँ पर देखो क्या सीन होता है। अब यहाँ पर मैं पहले सोचता हूँ कि अपने आप को तीनों चारों तरफ से कवर कर लूँ, अगर कोई हैकर होगा भी तो मार नहीं पाएगा, बट फिर बाद में मैं सोचता हूँ कि भाई मैं अपना एंगल ही ब्लॉक कर लूँगा, क्या फ़ायदा, है ना। इसी वजह से यहाँ पर मैं हिलता नहीं हूँ, आसपास देखता हूँ कोई निकलेगा तो मारेंगे, बट कोई मिलता ही नहीं है मुझे, तो यहाँ पर आराम से बैठे रहते हम। अब यहाँ पर अगर आप किल फीड देखोगे तो बैन ग्लिच वाला फिर से एक बंदे को मारा, एंड यहाँ पर मैं सोचता हूँ ना नेड वगैरह ऑर्डर कर लेता हूँ, एंड जोन में मंगा तो पाऊंगा नहीं, सामने फाइट चल रही होगी तो बंदे के पास अगर नेड हुआ या फिर वो सामने कवर में हुआ तो नेड से ही मार सकता हूँ ना, पुश करके मारने से अच्छा। तो यहाँ पर मैं नेड वगैरह मंगाता हूँ, एंड यहाँ पर जोन बन गया था थोड़ा सा और आगे, और मेरे पास 1.5 मिनट थे, बट मैं सोचता हूँ ना 1.5 मिनट बाद जाने से अच्छा अभी चला जाता हूँ, क्योंकि आगे था शैक। अब यहाँ पर देखो एक बंदा है डिस्ट्रॉयड करके, और इसने अभी किसी को मारा। अब यहाँ पर 3 बंदे बचे थे सिर्फ, डिस्ट्रॉयड वाले ने तो यहाँ पर अपनी लोकेशन मुझे बता दी थी क्योंकि अभी उसने सामने से फायर किया था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, जिस तरफ से उसने फायर किया था उसी तरफ भागने लग जाता हूँ, क्योंकि वो इस तरफ नहीं देख रहा होगा, इसी तरफ के बंदे को उसने मारा था। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं 3x चेक कर लेता हूँ है या नहीं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, वेट करने के बाद मैं सोचता हूँ ना यहाँ ड्रिंक वगैरह ऑर्डर करके निकलते हैं। अब देखता हूँ मैं, टाइम तो है नहीं ड्रिंक वगैरह ऑर्डर करने का, तभी यहाँ पर दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, यही मेरे पास अच्छा मौका था, और यहाँ से मैं भागता हूँ सीधा जोन में, एंड सामने की तरफ मुझे दिख जाता है एक शैक। एंड जैसे मुझे शैक दिखता है और ये आपस में लड़ रहे थे, तो मुझे इतना तो पता था इनका एक दूसरे का ध्यान एक दूसरे के ऊपर ही होगा, तो यहाँ पर मैं आराम से शैक पे जा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेट के जाने की बजाय सोचता हूँ कि यहाँ पर रिस्क लेते हैं और खड़े होके भागते सीधा, और ये मेरा रिस्क बहुत अच्छा रिस्क था। अब यहाँ पर इस वाले मैच में मेरा कुछ ग्लिच हो रखा था, आप देखोगे तो मैं बॉट की तरह भाग रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट इस वाले मैच में सीन हो रखा था ना, मैं भाग पा रहा था सही से, ना मैं खड़ा हो पा रहा था, ना क्राउच कर पा रहा था सही से, दो तीन बार दाबना पड़ रहा था, और बहुत ही अजीब लग रहा था, फिर भी हम चिकन निकाल लेते इस वाले मैच में। अब यहाँ पर सीन क्या होगा देखना, यहाँ पर भाई बंदा मेरे पीछे होगा और यहीं से मैं अभी जोन में आया हूँ, देखना अभी बंदा कहाँ पर दिखेगा। और भाई वो बंदा, भाई क्या बंदा था यार, एक बार देखो इस वाली क्लिप को, देखो क्या होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे ये लग रहा था कि सामने है दोनों बंदे, ठीक है, मैं शैक से बाहर निकला, यहाँ पर आके लेट गया, ठीक है। लेटने के बाद अब मुझे ये लग रहा था कि भाई सामने है, दोनों बंदे सामने है, तभी पीछे से साउंड आता है, ये देखो। और भाई यहाँ पर मैं एकदम से चौंक गया, भाई बंदा पीछे से कहाँ से आया, तभी यहाँ पर मैं कवर में आके लेट जाता हूँ, एंड तभी पता चलता है कि सामने वाला बंदा कूद रहा है, तो मैं भी उसे कूद के दिखा देता हूँ, है ना। एक टाइम पे मुझे ये हैकर लग रहा था, बट मेरे साथ इसकी फाइट नहीं हुई तो मैं इसे कुछ कह नहीं सकता हूँ। हाँ, इसने नाम जैसा रखा हुआ है उस हिसाब से तो भाई गलत ही नाम रखा हुआ है, इस टाइप के नाम कुछ वैसे बंदे ही रखते हैं, बट हम कुछ कह नहीं सकते ना, किसी को भी नाम से नहीं जज कर सकते ना, तो इस वजह से मैं नहीं कुछ बोलना चाहूँगा। अब आज की वीडियो में इतना ही, है ना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी ये बंदा कुछ बोल नहीं रहा था वॉल पे, मैं इसको बहुत देर तक बोलता रहा पैन फाइट करनी है, ये कुछ नहीं बोलता, मैं इसको सारी हीलिंग फीलिंग फेंक देता हूँ, इसको बोलता हूँ कि मुक्का फाइट करनी है, ये मुक्के फाइट में भी नहीं मानता। फिर मैं इसे स्मोक करके दिखाता हूँ कि भाई स्मोक कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही मैं नेड कर दूंगा अगर तू नहीं बोला, जैसे ही मेरे स्मोक खत्म होंगे। तो यहाँ पर मेरे स्मोक खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं नेड उठाता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ जल्दी बोल नहीं तो मैं नेड कर दूंगा, बट ये बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं मुक्के भी मार रहा था इसको, मैं इसको नहीं मार रहा था, हवा में मार रहा था ताकि ये कुछ बोले, बट ये कुछ बोलता ही नहीं है। अब मेरे पास आखिरी नेड बचा था तो मैं इसको बोलता हूँ जल्दी माइक ऑन कर नहीं तो मैं मार दूंगा, ये ना मार रहा था ना फाइट कर रहा था, तो कुछ तो करना ही था ना।
तभी मैंने इसको मार दिया और हमारा इजी चिकन डिनर हो गया। और इस वाले मैच में अपना कितना प्लस हुआ वो आप देख सकते हो, अच्छा खासा प्लस हुआ। एंड सही बताऊँ तो भाई अभी मेरी जो रैंक चल रही है वो 3000 के आसपास चल रही है, और कल मेरी रैंक चल रही थी 4500। एक दिन में ही 1500 रैंक नीचे आया हूँ मैं, तो अगर मैं करना चाहूँ तो ईजिली कर सकता हूँ। बाकी आप बताओ मैं कौन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इस वाले मैच में आप देख सकते हैं 7 किल थे अपने, और प्लस कितना हुआ वो भी आप देख लो, 19 का प्लस हुआ एंड अच्छा खासा प्लस हुआ, पैराशूट भी मिल गया इसका। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।